गाइज वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब ये डेटा पे बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, इसमें आते हैं इंसर्ट, यानी कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, और डिलीट, यानी कि टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक टेबल सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं ईएमपी। इसमें आईडी, नेम, सिटी तीन कॉलम ले लिए, आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, और नेम और सिटी का वेर कैर हमने डेटा टाइप ले लिया, 50-50 कैरेक्टर्स का हमने साइज दे दिया, क्रिएट कर दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इंटू टेबल का नाम जिसमें आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद सेलेक्ट, ठीक है, और जो भी आपका कॉलम की वैल्यू है वो आप देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आईडी ऑल टू जनरेट है तो आईडी देने की ज़रूरत है नहीं, नेम दे दीजिए अपनी। फिर नेम के बाद दूसरा है सिटी में मैंने दे दिया नोएडा। ठीक, उसके बाद आप मल्टीपल बल्क में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो यूनियन लगा सकते हैं, सिंगल एक एक करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने बी नाम, ये सेम ही रखते हैं। यहाँ पर दे दिया मैंने सी, यहाँ कर दिया ग्रेटर नोएडा, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने डी, यहाँ कर दिया दिल्ली। ठीक, डेटा इंसर्ट कर देते हैं, ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। चेक करने के लिए सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम ईएमपी चला के देखते हैं, ये आ गया आपका डेटा। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट। अब मुझे क्या करना है कि रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल रिक्वायरमेंट आ गई कि जो बंदे, जो एम्प्लॉयज नोएडा सिटी में हैं उनकी लोकेशन नोएडा से चेंज करके गुड़गांव कर दी जाए, तो उस केस में हमें चलाना पड़ेगा क्या, अपडेट। तो अपडेट और फिर टेबल का नाम जिस टेबल को आप अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद सेट और उस कॉलम का नाम जिस कॉलम को आपको चेंज करना है। मुझे क्या चेंज करना था, सिटी, ई सी आई टी वाई, ठीक है, इक्वल टू चेंज करने क्या है, सिटी नोएडा से गुड़गांव, जी यू आर जी ए ओ एन। ठीक, किसकी, अगर ये क्यूरी चला दोगे तो सबकी सिटी गुड़गांव हो जाएगी। ठीक है, इस क्यों, क्योंकि इसमें वेयर की कंडीशन नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उन बंदों का करना है जिनके लोकेशन नोएडा है, तो वेयर, वेयर की कंडीशन लगा के, और वेयर में ई सिटी इक्वल टू नोएडा। अब जो नोएडा वाले बंदे हैं सिर्फ वही चेंज होंगे। नोएडा वाले कितने बंदे थे, दो थे, तो सिर्फ दो ही रिकॉर्ड चेंज होने चाहिए, दो ही। ठीक है, रन कराएंगे, यहाँ पे टू रोज अफेक्टेड, चेक कर लें एक बार, देखिए गुड़गांव गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा चेंज होगा नहीं क्योंकि नोएडा वाले किए थे दिल्ली। ठीक है, तो ये होगा आपकी इंसर्ट और अपडेट। अब मान लीजिए रिक्वायरमेंट आई डिलीट करने की, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट करने, तो डिलीट के केस में क्या करेंगे आप, अगर आपको सारे रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम और टेबल का जो भी नाम है ई एम पी और रन करा देंगे तो सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए आप यहाँ लगाएंगे वेयर, वेयर की कंडीशन, और यहाँ पे जो भी नाम, जो भी कंडीशन आपको देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि जो गुड़गांव वाले बंदे हैं वो डिलीट हो जाए, उनको रिमूव कर दो। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ई सिटी, ई सिटी इक्वल टू, और जो भी लोकेशन उनकी थी गुड़गांव, वो मैंने गुड़गांव यहाँ पे दे दिया। रन करूँगा तो कितने रिकॉर्ड जाएंगे, दो रिकॉर्ड ही जाने चाहिए, टू रोज इफेक्टेड, चेक कर लेते हैं, आ गए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो आईडी क्या बनेगी, 3-4 के बाद नेक्स्ट 5 से बनेगी, करके देख लेते हैं एक बार, एग्जीक्यूट कर दिया और सेलेक्ट करके चलाते हैं। ये देखिए 5-6-3-4-5-3-4 पहले से था, ठीक है, बाकी 5-6-7-8 के हिसाब से अपने आप एंट्री हो गई। ठीक, ऑर्डर बाय वगैरह आप लगा के देख सकते हैं, कोई भी इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि टेबल के सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर दें, तो डिलीट फ्रॉम टेबल, वेयर की कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। अब दोबारा एक बार इंसर्ट करके देखते हैं, अभी पहले चेक कर लेते हैं डेटा है कि नहीं, सेलेक्ट किया कोई रिकॉर्ड नहीं है, इंसर्ट कर दिया, फिर से एक बार सेलेक्ट करके चलाया। अब देखिए आईडी क्या हो गई, 9, 10, 11, 12, तो ये आपकी जो टेबल की जो आइडेंटिटी कॉलम है उसको रीसेट नहीं करता, उसको रीसेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रंकेट।
मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से इजली देख सकते हैं। तो डीमेल कमांड, हमारे डीमेल में आते हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।